हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि हेवी स्टोन वर्क वाली साड़ी को किस तरीके से पहना जाता है और कैसे संभाला जाता है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो आज की जो मेरी साड़ी है वो फुल्ली स्टोन वर्क वाली है, आप जैसे कि देख ही सकते हो, और देखने से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस साड़ी की जो वेट है वो थोड़ी सी हेवी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको हम बेसिक राउंड टक करेंगे राइट हैंड साइड से, तो नीचे की तरफ हम इसकी लेंथ को, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो थोड़ी सी फैब्रिक रहती है ना, वहाँ पे स्टोन वर्क नहीं रहती है, तो इसीलिए बेसिक राउंड आप लोगों के लिए टक करना इजी रहता है। तो नीचे की तरफ आप लेंथ देख लीजिए कितना आपको लेंथ रखना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा आप टाइट घुमाते हुए इसकी राउंड को कम्प्लीट कीजिए। अब इसके बाद आपको चले जाना है इसके पल्लू की एंड पे, और पल्लू वाला ये जो हिस्सा है इसको आपको घुमाकर सामने की तरफ लाना है। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से प्लीट में अरेंज करती हूँ, क्योंकि इसका पल्लू जो है वो थोड़ा सा हेवी है, क्योंकि दोनों ही साइड पे काफ़ी हेवी स्टोन वर्क है, तो इसीलिए हम इसके दोनों ही कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ लेंगे, और जो कॉर्नर हमारी राइट हैंड पे रहेगा उसको हम कुछ देर के लिए टक कर देंगे। अब देखिए ये जो बॉर्डर है ना, हम इस बॉर्डर को थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देंगे, और उसके बाद पीछे की तरफ वाली फैब्रिक को हम ऐसे मोड़ते चलेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई है वो आपकी पीछे बनने वाली प्लीट से ज़्यादा चौड़ी रहे। अब लास्ट में आप देखोगे कि ये जो प्लीट है ना थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो गई है, तो हम इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा ही पतला कर देंगे या फिर हम और सारे प्लीट के मुकाबले थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लगा लिया है एक क्लचर, और इस क्लचर को मैं काफ़ी हाई इस तरीके से पकड़कर उठा दूंगी। अब फैब्रिक को हमें थोड़ा सा जर्क देना है ताकि जितने भी प्लीट्स हैं वो क्लियरली नज़र आए। अब देखिए मैं इसको ना एक ही बार में पकड़ने की कोशिश करूँगी इसकी पूरी लेंथ को। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि सिल्क वाली साड़ी में आप लॉन्ग पल्लू रखिए, लेकिन ऐसी अगर स्टोन वर्क वाली साड़ी है तो देखिए ऐसी स्टोन वर्क वाली जो पल्लू होती है वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो आप इसकी लेंथ अपने घुटने तक भी रख सकते हो। अब इसके बाद पल्लू को अगर आपको अपने कंधे पे सेट करना है तो ध्यान रहे कि आप अपनी पूरी शोल्डर को उससे हाइड कीजिए, और उसके बाद पल्लू आपकी ब्लाउज पे ये कहाँ तक आ रही है उसकी एंड पे आप एक पिन लगा दीजिए। मेक श्योर आपकी पूरी जो स्लीव है ना वो कवर होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका जो लेफ्ट साइड का बर्स्ट है वो हाइड हो पाएगा। अब देखिए बॉर्डर को इस तरीके से सेट करने के लिए हम बाकी सभी प्लीट को एक जगह पर पकड़ेंगे, और फिर बॉर्डर को हल्का सा ऐसे स्प्रेड करेंगे, और फिर जहाँ पे ये पिन लगनी चाहिए वहाँ पे हम लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये पिन हम अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर नीचे की तरफ लगा रहे हैं। अब इसके बाद ये जो बॉर्डर है जब हम इसको स्प्रेड करेंगे तो ये हमारी नेक पे ज़्यादा दूर तक चढ़ी हुई नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर प्लीट्स हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सेंटर प्लीट पर। सेंटर प्लीट बनाने के लिए हम अपनी नेवल तक अपनी राइट की साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, और उसके बाद वाली फैब्रिक से आपको प्लीट अरेंज करना शुरू करना है। यहाँ पे जब आप प्लीट बनाओगे ना तो आपकी हाथों से फैब्रिक ना छूट जाए, क्योंकि वेट नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको फैब्रिक को थोड़ा सा ज़मीन पर ही रखना होगा, और फिर लेफ्ट की साइड पर आपको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। अब आपको याद होगा हमने जो अपनी नेवल के पास से मेज़र करते हुए थोड़ा सा जो फैब्रिक छोड़ा था ना उसको हम अपनी राइट की फर्स्ट प्लीट में ऐड कर देंगे, इससे हमारा राइट की जो फर्स्ट प्लीट होगा वो और सारे प्लीट की तुलना में ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। अब सभी प्लीट को एक गैप में रखते हुए हम अपनी बेली बटन के पास टक कर देंगे। अब जो हमने लेफ्ट की साइड पर ये फैब्रिक छोड़ा था हल्का सा, इसको हमें ऊपर की बॉर्डर को सेट करते हुए लाना है, और प्लीट के नीचे से ले जाते हुए दूसरी तरफ बाहर निकालना है। यहाँ पे जब आप ये फैब्रिक बाहर निकालोगे ना तो ध्यान रहे कि कमर के पास जो फैब्रिक आ रही है वो बिल्कुल भी ना सिकुड़े। इसको आप सेट करते हुए ले जाइए, और एक बार आप फैब्रिक को केवल खींचिए, और जब आपको लगता है कि आपकी फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, कमर के पास आपकी जितनी भी फैब्रिक थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो फिर आप उसको ट्विस्ट करना शुरू कीजिए।
ट्विस्ट करने के बाद एक छोटी सी नॉट बना दीजिए और इस नॉट को आप अपनी पेटीकोट की डोरी के अंदर टक कर दीजिए। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको आप एडजस्ट करके टक कीजिए। अब क्योंकि सामने की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक प्लीट्स में अरेंज हुई हैं और नीचे की तरफ बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा हेवी है, तो प्लीट्स को ज़्यादा लंबे समय तक सिक्योर करने के लिए हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ की पिन को आसानी से लगाने के लिए आपको सांस को अंदर की तरफ लेकर रोकना होगा और पेट को हल्का सा दबाना होगा, तभी आपकी यहाँ पे पीछे की तरफ से पिन लग पाएगी। अब देखिए इस तरीके से आपका जो हेवी स्टोन वर्क वाला साड़ी है वो ड्रेप हो गया है। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा तरीका था। अब अगर आप चाहो इसमें कुछ अलग करना तो आप अपनी ये जो सामने वाली बॉर्डर है ना उसको बिल्कुल फ्लैट कर सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल होगा। इसमें आपको अपनी सभी प्लीट को पहले तो इकट्ठा पकड़ना है, तो बिल्कुल शोल्डर के पास आप अपनी सभी प्लीट को अच्छे से पकड़ लीजिए एक्सेप्ट ऊपर वाला बॉर्डर, और ऊपर वाले बॉर्डर को हमें इस तरीके से स्ट्रेट ले जाना है और ये आपको हल्का सा पीछे की तरफ पुश करना है और फिर सभी प्लीट के साथ इस जगह पे आपको पिन लगा देना है। अब क्योंकि जहाँ पे हमने पकड़ा हुआ है पिन लगाने के लिए वहाँ पे हम ब्लाउज़ के पीछे से तो पिन नहीं लगा सकते, तो इसीलिए बॉर्डर को हटाकर हम पीछे की तरफ लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हेवी बॉर्डर होने की वजह से ये बार बार इस तरफ लटक जा रही है, तो हमें एक और सेफ्टी पिन यूज़ करना होगा ताकि ये जो लाइन गई हुई है बॉर्डर की वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो जब तक ये बाहर वाली बॉर्डर आपकी स्ट्रेट नहीं जाएगी तब तक आपका फ्रंट फ्लैट पल्लू सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक पिन लगा दे रही हूँ और इस पिन के कारण देखिए पल्लू बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो ये देखिए आपकी फ्रंट फ्लैट पल्लू के साथ ये नेवी लुक। अब ये जो हमारा पल्लू है इसको सिर पे कैसे रखें, क्योंकि काफ़ी स्टोन वर्क वाली है पल्लू और काफ़ी हेवी है, तो इसको परमानेंटली अपने हेड पे सेट करने के लिए आपको इस तरीके से वेलक्रो की ज़रूरत पड़ेगी। ये वेलक्रो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी और इसका बहुत ही छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, और देखिए इसका एक टुकड़ा ना बिल्कुल खुरदुरा होता है जो कि आपकी फैब्रिक में भी चिपक सकता है, और एक जो टुकड़ा होता है इसका वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ये जो सॉफ्ट वाला टुकड़ा है हमारा इसको हम अपनी पल्लू के बॉर्डर पे लगाएंगे, लेकिन किस तरीके से वो देखिए। पहले तो हम अपनी पल्लू की सबसे लास्ट वाली प्लीट को उठाएंगे और फिर इस बॉर्डर को हम अपनी सर पे रख के देखेंगे कि कितनी दूर तक वाली एरिया पे हमें वेलक्रो सेट करना है। अब वेलक्रो सेट करने वाली एरिया को हम इस तरीके से सामने की तरफ घुमाकर ले आएंगे और ठीक उस जगह पे हम ये वेलक्रो का सॉफ्ट वाला पार्ट को पिन करेंगे। यहाँ पे पिन लगाने के लिए आपको बिल्कुल छोटी वाली सेफ्टी पिन का यूज़ करना होगा, क्योंकि वेलक्रो की पट्टी ज़्यादा चौड़ी होती नहीं है। तो ये देखिए मैंने टोटल 3 सेफ्टी पिन यूज़ किया है, और उसके बाद सर पे वेलक्रो का दूसरा पार्ट सेट करने के लिए आपको इस तरीके की विग वाली क्लिप का ज़रूरत पड़ेगा। ये विग वाली भी जो क्लिप है वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी सर्च करने पे, और देखिए हेड के उस पार्ट पे मैं इसको लगा रही हूँ जहाँ पे हमें अपनी पल्लू को लेना है। तो यहाँ पे भी मैंने टोटल विग वाली क्लिप 3 यूज़ की है, और उसके बाद ये जो पार्ट है हमारा इसको अच्छी तरीके से सर पे रखते हुए हम इसको चिपका देंगे। तो विग वाली जो क्लिप है उसका यूज़ करने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि इससे बालों में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से बाल ज़्यादा खिंचती भी नहीं है। तो देखिए ऐसी हेवी बॉर्डर वाली पल्लू भी आपके सर पे परमानेंटली सेट हो सकती है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।